दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू बरादरी ने अपना मजहबी त्यौहार होली इंतहाई जोशो खरोश से मनाया। लाहौर में कहीं हिंदुओं ने मजहबी रसूमात अदा की तो कहीं होली के रंग बिखेर कर जश्न मनाया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हर तरफ है रंगों की भरमार, बुरा ना मानो ये है होली का त्यौहार। होली रंगों का त्यौहार है और मौसम बहार के इख्तिताम पर मनाया जाता है। पाकिस्तान में मुकीम हिंदू बरादरी ने अपना त्यौहार जोशो खरोश से मनाया। लाहौर के एक मंदिर में बैनुल मजहबी हम आहंगी भी देखने में आई, जहां सिखों और मुसलमानों ने शरीक होकर इजहार यकजहती किया। फिर जी ये होली जड़ी है मनाई गई है रंगा दी होली के खुशहाली है और एर होली जड़ी है जितने दे रंग ने ये सारे पाकिस्तान दे जितने मजहब ना उन इकट्ठे करके मनाया जाए। असी होली दे विच सिख ने क्रिश्चन ने मुसलमान ने हिंदू ने हर कम्यूनिटी का बंदा इतने आता है और इस तो अलावा अगर तुम पाकिस्तान किसी भी होती मस्जिद मुसलमान की ईद हो शिवरात हो हिंदुओं का क्रिश्चन का हो असी मंदिरों भी जाने गुरुद्वारे भी जाने मस्जिद भी जाने तो चर्च भी जाने अभी सारे थान जाने असी एक गुलदस्ता है जोड़ा पाकिस्तान के तराना और झंडा है वो एक अकलीयत जी एक होगी है झंडा वाइट है अगर वो खत्म कर दे तो झंडा खत्म हो जाता है असी अकलीयत है साढ़ा तन मन धन सब पाकिस्तान लिए हाजिर है। मुख्तलिफ मलबूसात पहने लड़के लड़कियां खुशी से निहाल थे जिन्होंने एक दूसरे पर रंग फेंके और खूब जश्न मनाया। यानी वो रंग नहीं थे वो प्यार था जो हमने एक दूसरे पे फेंका तो सबसे बड़ी बात ये थी। आज तो कल शिवरात का भी त्यौहार है गुड फ्राइडे भी है और होली का त्यौहार भी है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। असी बेसिकली असी है तो मुसलमान हाँ मगर असी अपने हिंदू भैन भरावान की माइनोरिटी की खुशियों शामिल होना है तो उन्होंने यह फील करवा कि वो कल नहीं है इतने इतने ऐसे लोग हैं जोड़े हज अज भी मुहब्बत का पैगाम देंगे ने अज भी एक दूजे ने मुहब्बत करते हैं तो पाकिस्तान के झंडे जोड़ा सफेद रंग है उन्होंने अहमियत देंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत धूमधाम से हम लोगों ने होली मनाई है, बहुत मज़ा आया। हैप्पी होली पाकिस्तान, बहुत ही खुशियों भरा त्यौहार है। हम लोगों ने रंगों के साथ होली खेली है और बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग होली मना रहे हैं। आज जो होली का त्यौहार है पूरी दुनिया में आज होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जी ने गीता में ये कहा है कि प्यार करने से प्यार बढ़ता है और नफरत करने से नफरत बढ़ती है और इस नफरत की दीवारों को गिराकर प्यार को अमर प्रेम बनाएं। अमर वो चीज है जो हमेशा कायम दायम रहती है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हमें यहाँ पर हर तरह की आज़ादी हासिल है। हम बिना किसी रोक टोक के अपना हर त्यौहार मनाते हैं। मंदिर में होने वाली मजहबी रसूमात में पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए भी दुआएं मांगी गईं।